नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल पे हम आपको इंटरनेट, एंड्रॉइड, कंप्यूटर के प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान और फ्री है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपको अपने ईमेल अकाउंट में लॉगिन होने के बाद हमारे यूट्यूब चैनल पे रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन दबाना है। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने से आप घर बैठे ही मुफ्त में आपको इंटरनेट, एंड्रॉइड, कंप्यूटर के प्रोग्राम, टैली, ईआरपी 9, फोटोशॉप, कोरल ड्रो, पेज मेकर, एमएस ऑफिस 2010 की सारी जानकारी मुफ्त में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी ही सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर दिया हो तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आइए हम आगे सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे इसमें चार्ट। चार्ट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चार्ट की एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जिसमें से आपको कई तरह के चार्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कॉलम, लाइन बार है, पाई है, बार, एरिया। हमको इसमें से जो भी ग्राफ लेना है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर लेंगे कॉलम ग्राफ। कॉलम ग्राफ को सेलेक्ट करके हम ओके करेंगे। हम ग्राफ का यूज़ यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि को लेके करेंगे। जैसे हम यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के ऊपर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इसके साथ एक एक्सेल शीट यहाँ पर ओपन होगी जिसमें हमें डाटा फीड करना है। हम यहाँ पर सिटीज़ नेम देंगे, जैसे हमने दिया कोटा 12। जयपुर, बॉम्बे। फिर हम जैसे यहाँ पर हम सन लिखेंगे, ईयर्स डाल देंगे, जैसे 2010 डाला, 2011, 2012। अब हम इनकी जनसंख्या दे देंगे कि कौन से सन में कितनी जनसंख्या किस सिटी की है, जैसे 100 हमने दे दी यहाँ पर कोटा की, 200 दे दी हमने 12 की, 300 हमने दे दी जयपुर, और 400 दे दी हमने बॉम्बे की। फिर यहाँ पर हम इन्हीं को रिपीट कर देंगे। थ्री हंड्रेड और यहाँ पर दे देंगे 400। नेक्स्ट कॉलम भी इसी तरह से फिल कर देंगे। हंड्रेड यहाँ ले लेंगे, 400, 300। इसके बाद हम बार यहाँ क्लिक करेंगे और एक्सेल शीट को मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद हम यहाँ से इसको मैक्सिमाइज करेंगे, वर्ड की शीट को। फिर हम यहाँ देखेंगे कि एक ग्राफ हमारे आगे बन जाता है। हम यहाँ से सिटी वाइज पता लगा सकते हैं कि कौन से सन में किसकी कितनी जनसंख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ जैसे डाउन में हमें सिटी नेम दिखाई दे रहे हैं और यहाँ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में हमें ईयर्स दिखाई दे रहे हैं। इनको हम चेंज करेंगे स्विच रो एंड कॉलम्स पे क्लिक करके। तो हमारी सिटी यहाँ पर चारों सिटी नेम हमें दिखाई देंगे, जैसे कोटा है ब्लू कलर का, 12 है रेड कलर में, जयपुर है ग्रीन कलर में, और बॉम्बे बैंगनी कलर में। 2010 में कोटा की जो जनसंख्या है वो बता रहा है यहाँ पर 100। फिर 2000 में 12 की जनसंख्या है 200। 2010 में जयपुर की बता रहा है 300। इसी तरह से 2010 में मुंबई की बता रहा है ये 400। तो कलर वाइज हम यहाँ से सिटी का पता लगा सकते हैं और उनकी जनसंख्या के बारे में पता लगा सकते हैं। फिर हम इसकी प्रॉपर्टी ऊपर ओपन होगी जिसमें डिज़ाइन में हम यहाँ से स्टाइल्स इसकी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम चार्ट लेआउट्स चेंज कर सकते हैं, जैसे हम
क्लिक करके यहाँ देखेंगे चार टाइटल हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ पर टाइटल लिख सकते हैं। हम लिख देंगे पॉपुलेशन ऑफ सिटी। फिर और भी हम यहाँ पर देख लेआउट को देख सकते हैं चेंज करके। अब जैसे हमने ये वाला लेआउट लिया, चार टाइटल दे दिया हमने यहाँ पर, वापस से देंगे हम पॉपुलेशन ऑफ सिटी। एक्सिस टाइटल में लिख देंगे हम यहाँ पर वैल्यू, और एक्सिस टाइटल डाउन में लिखेंगे ईयर्स। इस तरह से हम यहाँ पर इनको फिट कर सकते हैं। चेंज चार्ट टाइप में जाके हम वापस से चार्ट की स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। सेव टेम्पलेट में जाके हम चार्ट को टेम्पलेट में सेव कर सकते हैं कोई भी नाम देकर। सेलेक्ट डाटा, हमें वापस डाटा को सेलेक्ट करना, तो इस पर क्लिक करके हम डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, और भी जो हमें ऐड करना हो तो यहाँ हम एडिट कर सकते हैं एडिट डाटा के अंदर जाके। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके लेआउट्स, लेआउट पे क्लिक करेंगे तो हम पिक्चर्स यहाँ पर ले सकते हैं, शेप से टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, चार्ट टाइटल ऐड कर सकते हैं, एक्सिस टाइटल जो हमने यहाँ पर अभी फिल किया हुआ है, लेजेंड, लेजेंड में जाके हम डाटा को राइट लेफ्ट एंड डाउन बॉटम को मूव कर सकते हैं, जैसे शो लेजेंड एट राइट। हम इसको राइट में डाउन कर मूव कर सकते हैं टॉप में, लेफ्ट साइड, बॉटम में। इस तरह से हम इनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डाटा लेबल्स में जाएंगे, यहाँ से हम शो, तो डाटा टेबल को शो कर सकते हैं, शो डाटा टेबल। एक्सिस में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर 1000 में चेंज करना है, शो एक्सिस इन 1000 पे क्लिक करेंगे तो हमें वैल्यू 1000 में दिखाई देगी। फिर हमें मिलियन में देखना है तो हम शो एक्सिस इन मिलियंस पे क्लिक करेंगे। ग्रिड लाइंस पे जाकर हम यहाँ से ग्रिड लाइंस को मेजर ग्रिड लाइंस पे क्लिक करेंगे। वर्टिकल ग्रिड लाइंस में जाएंगे, यहाँ मिनर ग्रिड लाइंस पे क्लिक कर देंगे तो हमारे ग्राफ में यहाँ पर ग्रिड लाइंस शो होगी। थ्री रोटेशन में जाएंगे, हम चार्ट को रोटेट कर सकते हैं। इसके एक्स जैसे मैंने 110 किए और वाई 80, क्लोज करेंगे तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ रोटेट हो जाएगा। तो हम इस तरह से इसकी ग्राफ की डिज़ाइन और लेआउट की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें हाइपरलिंक कमांड्स देखेंगे। हाइपरलिंक जैसे हम किसी फाइल को फाइल से लिंक करना चाहते हैं तो हम उसके लिए हाइपरलिंक कमांड्स का यूज़ करेंगे। जैसे हमने एक ये फाइल बनाई है,
इस फाइल को हम लिंक बटन के रूप में तैयार करेंगे। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर हाइपर लिंक पे जाएंगे और इसके साथ जिस फाइल का आपको लिंक करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके हम ओके करेंगे तो ये जो हमारा वर्ड्स था, फाइल थी, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये लिंक बटन में चेंज हो जाएगा। हम इस पर कर्सर रख के यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर देंगे और यस करेंगे तो हमने जो फाइल इसके साथ लिंक की थी वो फाइल यहाँ ओपन हो जाएगी। हम इसको वापस क्लोज बटन पर जाकर इसको बंद कर देंगे और इसको नॉर्मल करने के लिए हेल्पर लिंक में जाएंगे और यहाँ से रिमूव लिंक करेंगे तो हमारी फाइल वापस नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।